फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम हो गया 144, तो यहाँ पर क्या आएगा 144 का 144 एक से गुणा करेंगे तो ये आ गया 25 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। अब देखो ऊपर की संख्या का जब हम जोड़ करेंगे तो 4 और 5 9 हो गए, 4 और 2 6 हो गए, और ये 1/144 169/144 प्लस एक्स अपॉन 12। अब हम देखते हैं जो 169 है उसका वर्गमूल कितना होता है 13, और 144 का कितना होता है 12, बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 12। अब इस एक को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 13/12 - 1 बराबर एक्स 12। अब यहाँ पर फिर 12 एलसीएम हो गया तो यहाँ पर तो 13 ही आएगा, माइनस यहाँ 1 लेते हैं तो 12 यानी 12 बराबर एक्स 12। देखो हर से हर कैंसिल हो गया, 13 में से 12 गया तो 1 बराबर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1। तो यहाँ पर हमारा